hello everyone i welcome you to my channel and today i want to talk about agriculture and rural development a lot of students preparing for nabard this year you know that the notification is out and you've already started preparations in fact revision classes have also started in my crash course coming back a lot of students have been asking about how to cover ard so i thought why not to divide ard preparation into certain aspects and then tell you what can you do by yourself

This creates a holistic picture in your mind as to how to cover ARD. Kya kya cover karna hai or cover In short, this is what we are going to talk about. Let's start with the static of syllabus, which is the most important. Why is it the most important? Because out of 40 questions that come in phase 1 and uh, 15 questions approximately that come in phase 2, in objective, majority, 90% plus questions from ARD will come from here. तो इसको किस तरह से कवर करना है और इसमें क्या कवर करना है बेस्ट थिंग अबाउटी से नबार्ड ने आपको ही ए आर डी का सिलेबस दिया इफ यू दिलेबस इन दी नोटिफिकेशन दो पेज का सिलेबस पूरा खाली ए आर डी सेक्शन का है विच इज अट सो इफ यूर प्रिपेयरिंग ऑन यूर ओन बायर सेल्फ इवन इफ यू विकीपीडिया ऑल दीज टॉपिक्स वन बाय वन जैसे कि नबार्ड ने एक टॉपिक दिया एग्रोनॉमी तो आपने बस एग्रोनॉमी विकीपीडिया सर्च कर लिया एंड यू गो थ्रू द एंटायर पेज ऑफ एग्रोनॉमी यू कैन प्रॉब्ली सेव इट इन योर कंप्यूटर इन वन एरिया एंड देन स्टार्ट गोइंग थ्रू इट उसमें जो भी रिलिवेंट लगे उसको हटाते जा सकते हो इवन इफ यू विकिपीडिया ऑल दी टॉपिक्स दैट आर गिवन बाय नबार्ड इन देयर ऑफिशियल सिलेबस आपका मेजोरिटी सिलेबस वहीं से कवर हो जाएगा दिस रिक्वायर्स एफर्ट बिकॉज यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट सो इम्पॉर्टें एंड वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट व्हाट कैन आई रिमेम्बर व्हाट कैन आई नॉट रिमेंबर हाउ टू रिवेज इट वो सब एफर्ट तो आपको लगाना ही पड़ेंगे सेल्फ स्टडी का मतलब ही वो होता है बट बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉड ऑफ टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन द एग्जाम इज ऑन सिक्सटीन अक्टोबर फेज वन तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास एंड यू हैव टू स्टडी लॉड ऑफ अदर सब्जेक्ट एज वेल यू टू राइट मार्क्स एज वेल तो इसीलिए अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर बुक्स I would recommend that you go after something like this. If you're going through the course or if you're planning on starting with a the course then the live crash course is already going on PDFs and chapter you start kar sakte ho. automatically that will also do the same thing. The only difference is that you have to do the work here yourself, searching, identifying uh, what to study and what not to study in every page. यहां पे हमने वो रिफाइन करके आपको ऑलरेडी दिया है सो यू डोंट हैव टू डू दैट वर्क दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान हैं गिवन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी हैव दिस इज द बेस्ट अप्रोच दैट आई वुड से फॉर बोथ सेल्फ स्टडी एज वेल एज स्टूडेंट्स हो विलिंग ऑन टेकिंग सम कोर्स इससे ज्यादा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप सब कुछ करने की कोशिश करो और उसमें कुछ भी ना कर पाओ सेकेंड एस्पेक्ट स्कीम्सोर्स टेक्स अफ स्पेस जो मैंने नाइनटी परसेंट आपको बताया उसमें से फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट इज द एलिमेंट ऑफ स्कीम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है सर शुड वी बी स्टार्टिंग ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स और शुड बी स्टार्टिंग ओनली द इम्पोर्टेंट वन शुड आई बी स्टार्टिंग ओनली द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वॉन्ट टू डू दिस एंड नो कट शॉर्ट यिपरेशन

और आइडियली मुझे लगता है यही कवर करना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू बी वेल प्रिपेयर फॉर अबाउट कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कीम्स बट अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है आई वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन स्कीम्स देन यू कैन ऑल्सो पिकअप एनी वन ऑफ दीज ओके स्कीम्स हो गया इससे ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है इधर उधर मत भागो यहां से भी पढ़ लू वहां से भी पढ़ लू यूल योर प्रिपरेशन थर्ड इज रिपोर्ट्स अब रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनुअल रिपोर्ट में बहुत जल्दी यूट्यूब पर डालने वाला हूं Uh, नबार्ड की जो लेटेस्ट आई है आई एम टिल जस्ट फाइनलाइजिंग अ हैंड मेड ड्राफ्ट ऑफ दैट जिससे कि ज़्यादा अच्छे से मैं पढ़ा सकूँ उसकी लिस्ट मैंने एक डाली हुई है लिस्ट ऑफ ऑलोर्ट्स दैट आर रेलिवेंट फॉर नबार्ड एग्जामिनेशन दट इज ऑलरेडी देर इन द फोर्टी फाइव डे प्लान उस प्लान की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यू कैन वॉच दैट लिस्ट थ्रू दैट प्लानर उस वीडियो में वो प्लानर भी होगा तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब हमने नाइनटी परसेंट एक क्राइटेरिया बनाया था दैट नाइन्टी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन कम फ्रॉम द सिलेबस इसमें से अगर फोर्टी परसेंट यहाँ से आ रहे हैं अबाउट फोर्टी परसेंट इधर से आ रहे हैं तो टेन परसेंट आर कमिंग फ्राम हेयर ऑल्सो यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चन सो दिस इज वेरी वेरी रेलिवेंट प्लीज डोंट इग्नोर इट डो नॉट फील कि ये करके नहीं जाऊँगा तो कोई बात नहीं यू विल एंड अप लूजिंग टेन परसेंट ऑफ मार्क्स फॉर नो रीजन तो इसको आपको कवर करना चाहिए ंट अफेयर्स नॉ देर इज असकन्सेपन है स्टूडेंट्स फील्ड की करेंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एआरडी का लेट मी टेल यू एग्रीकल्चर ओरिएटेड या एग्रीकल्चर फोकस्ड करेंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत कम है आपको उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहिए सो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट यू स्पेशली प्रिपेयर फॉर करेंट अफेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट उसमें स्कीम्स और रिपोर्ट्स नहीं आते हैं दोपरेट बट इवन इफ यू वॉन्ट टू कवर यू मोस्ट वेलकम कृषि जागरण करके एक वेबसाइट है वहां पे जाके करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर यू कैन डाउनलोड यू कैन आइडेंटिफाई और उनकी लिस्ट बना सकते हो आई ऑल्सो गिव करेंट अफेयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑन अ मंथली बेसिस वहां से भी उठा सकते हो जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं दे वुड ऑलरेडी बी अवेयर अबाउट इट ऑन द अदर हैंड आई वुड रिकमेंड दैट यू इंस्टेंट फोकस मोर ऑन पी आई वी टू फोर सेवन बिकॉज मेजोरिटी क्वेश्चन एग्रीकल्चर के पी आई वी टू फोर सेवन में भी कवर हो जाते हैं तो इफ़ यू कवर दिस पी आई बी टू फोर सेवन ऑटोमेटिकली यूर कवर्ड मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत मिनिमल हैं बीस घंटे लगा के इफ आर फाइंडिंग जस्ट वन क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन दैट सेंस उससे ज्यादा बेटर है कि आप इन चीजों में टाइम लगाओ बीस घंटे लगाओगे तो रिपोर्ट्स कवर हो जाएंगे टेन परसेंट पेपर कवर हो जाएगा एंड द लास्ट इज मॉक्स ठीक है ना इसमें दो चीज है जो मैं आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूँ आपको विच यू शुड बी डूइंग वेन प्रिपेयरिंग फॉर एआरडी और एनी अदर सब्जेक्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन सबसे पहले तो एनालिसिस ऑफ द मॉक इज एज इंपॉर्टेंट एज टेकिंग द मॉक मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं इसलिए आपको नहीं करनी है स्टूडेंट्स व्हाट दे दे डू इज राइट द मॉक एंड देन दे फॉरगेट अबाउट इट और दे वेट फॉर समवन एल्स टू डिस्कस इट विद देम दे वेट फॉर समवन एल्स टू इवैल्यूएट इट फॉर देम ब्ला 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 द एक्सक्यूज गो ऑन व्हाट यू हैव टू डू इन इज ट्राई एंड एनालाइज द मॉक्स योरसेल्फ इमीडिएटली इमिडिएटली आफ्टर योर डन विद द मॉक इफ यू स्पेंड 2 आवर्स इन द मॉक स्पेंड 4 आवर्स इन द एनालिसिस ऑफ द मॉक यहाँ पे एक बहुत अच्छी टेक्निक है बहुत सारे लोग यूज करते हैं so क्वेश्चन आया एंड नॉट एबल टू आंसर इट बिकॉज नॉट रेड इट लेट्स से कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आया ए से रिलेटेड से रिलेटेड नो दैट नॉट रेड इट बट वॉट यू कैन डू इज कंप्लीट दैट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू ऑन द सेम डे In a question paper that has 40 questions of ARD, let's say you're able to cover 15 or 20. That means you've covered 20 new topics that you were not aware about in that day itself through reverse learning. You've a question, uthaaya, question ka topic identify question, panch options five Through those five options, you've understood what part of the topic is being asked. You cover that part of the topic, that part of the organic farming in one go, and then you try and cover other parts of organic farming as well then and there. ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली बहुत सारे टॉपिक्स जो आपने कवर नहीं किए जो स्किप हो गए या टाइम नहीं मिला या बोरिंग लग रहे थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा दे विल बी कवर्ड थ्रू दिस टेक्निक ऑफ रिवर्स लर्निंग इसको मैं रिवर्स इंजीनियरिंग बोलना चाहता हूँ बिकॉज इंजीनियर्स आर वेरी पॉपुलर इन डूइंग समथिंग लाइक दिस एंड क्लियरिंग देर एग्जाम्स बट रिवर्स लर्निंग इज अ सिंपल टर्म कोई भी यूज कर सकते हो बीन यूजिंग रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम तो ये हैं हमारे पांच मेजर एरियाज रिलेटेड टू एआरडी आर डी दैट कैन मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर वेल इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दैट वी हैव बिफोर द एग्जामिनेशन तो अच्छे से इसको यूज करो मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन दिस थ्री एटलीस्ट इसको इग्नोर मत करो प्लीज दिस विल मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर वेल एंड डू नॉट इग्नोर द मॉक्स पार्ट इट विल मेक श्योर दैट यू आर यू प्रैक्टिस इनफ सो दैट कोई भी एग्जाम में बाउंसर आते यू आर एबल टू हैंडल इट वेल ठीक है ना सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्मॉल सेशन आई होप इट वॉज यूजफुल बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर ए आर डी किस तरह से कवर करें हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या करें क्या ना करें दिस इज द आंसर टू दैट आई होप इट विल बी यूजफुल एंड कीप प्रिपेरिंग हार्ट आई एल सी यू वेरी सून विद अदर वीडियोज रिलेटेड टू ए आर डी एज वेल एज आर बी आई एज वेल ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय जय हिंद